आप सभी को IIMT परिवार की ओर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं शिवानी सिंह आप सभी का स्वागत करती हूं IIMT मीडिया के विशेष कार्यक्रम हिस्ट्री ऑफ द डे में। आज के दिन 1681 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के अलग रियासत बनने की घोषणा की। ईस्ट इंडिया कंपनी लंदन के व्यापारियों की निजी कंपनी थी। कंपनी का मुख्य उद्देश्य धन कमाना था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1600 ईस्वी में शाही अधिकार पत्र द्वारा व्यापार करने का अधिकार प्राप्त किया था। कंपनी ने सबसे पहले व्यापार की शुरुआत मसाले वाले द्वीपों से की थी। 1608 में उसका पहला व्यापारिक पोत सूरत पहुँचा था। आज के दिन 1922 में BBC ने ब्रिटेन में रेडियो सेवा शुरू की थी। BBC का पूरा नाम ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन है। BBC दुनिया का सबसे पुराना राष्ट्रीय प्रसारण संगठन है। कर्मचारियों की संख्या से यह दुनिया का सबसे बड़ा प्रसारण करता है। अपनी शुरुआत से लेकर 21वीं शताब्दी तक BBC ने ब्रिटिश संस्कृति में एक प्रमुख भूमिका निभाई है। आज ही के दिन विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। आज फ्रेडरिक बेंटिंक का जन्म दिवस है। मधुमेह के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए उनके जन्म दिवस को ही विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। 14 नवंबर का दिन विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा 1991 में विश्व मधुमेह दिवस के रूप में घोषित किया गया था। भारत को मधुमेह की राजधानी कहा जाता है। मधुमेह की बीमारी शरीर में इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी से होती है, जो अग्नाशय से निकलता है। आज के दिन 1889 में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ था। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म दिवस भारत में बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। पंडित नेहरू को बच्चे चाचा नेहरू कहते थे। वह 1947 में भारत के एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में स्थापना से लेकर 1964 में अपने निधन तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। उन्हें आधुनिक भारतीय राष्ट्र राज्य, एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणतंत्र का वास्तुकार माना जाता है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर भेंट होगी इतिहास में दर्ज कुछ और महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। और अब आज का राशिफल। आज का राशिफल ज्योतिष वैज्ञानिक गुरुदेव भारत ज्ञान भूषण जी द्वारा 14 नवंबर दिन शनिवार। आज के भाग्य की विषय वस्तु है आध्यात्मिकता। मेष, आपके आध्यात्मिकता के लिए भाग्य 44%। मित्रों से एवं भाइयों से संयोग प्राप्ति के योग है। शुभ रंग आसमानी बसंती तथा निषेध रंग पीला लाल। वृष, आपके आध्यात्मिकता के लिए भाग्य 74%। घर में अतिथि के आने के योग है। शुभ रंग सफेद, नीला, काला तथा निषेध रंग पीला सिंदूरी। मिथुन, आपके आध्यात्मिकता के लिए भाग्य 80%। स्वास्थ्य में सुधार के योग हैं। शुभ रंग नीला, काला, हरा तथा निषेध रंग पीला, लाल, गुलाबी। कर्क, आपके आध्यात्मिकता के लिए भाग्य 62%। आर्थिक स्थिति प्रभावित होने के योग हैं। शुभ रंग काला, सफेद तथा निषेध रंग हरा, लाल। सिंह, आपके आध्यात्मिकता के लिए भाग्य 44%। मित्रों से संयोग प्राप्ति के योग हैं। शुभ रंग काला तथा निषेध रंग लाल। कन्या, आपके आध्यात्मिकता के लिए भाग्य 79%। कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्ति के योग हैं। शुभ रंग नीला, काला, हरा तथा निषेध रंग लाल, पीला, सफेद। आपके आध्यात्मिकता के लिए भाग्य 80%। कार्य क्षेत्र में बाधाएं दूर होने के योग हैं, किंतु सावधानी अपेक्षित है। शुभ रंग सफेद, काला तथा निषेध रंग पीला, गुलाबी। वृश्चिक, आपके आध्यात्मिकता के लिए भाग्य 53%। अनावश्यक खर्चे के योग हैं। शुभ रंग नारंगी तथा निषेध रंग भूरा। धनु, आपके आध्यात्मिकता के लिए भाग्य 52%। परिजन के स्वास्थ्य को लेकर चिंता के योग हैं। शुभ रंग बसंती सलेटी तथा निषेध रंग काही हरा।
मकर, आपकी आध्यात्मिकता के लिए भाग्य 79% कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्ति के योग है। शुभ रंग नीला, काला, हरा तथा निषेध रंग लाल, पीला। कुंभ, आपकी आध्यात्मिकता के लिए भाग्य 80% करियर में अनुकूलता के योग है। शुभ रंग नीला, काला, हरा तथा निषेध रंग पीला, लाल, गुलाबी। मीन, आपकी आध्यात्मिकता के लिए भाग्य 53% कारोबार में अपेक्षित लाभ प्राप्त होने से मन में प्रसन्नता बने रहने के योग है। शुभ रंग बसंती, सलेटी तथा निषेध रंग हरा, जामनी। सभी के लिए दिन का नकारात्मक प्रभावी समय प्रातः 8:52 से प्रातः 10:37 तक। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें ज्योतिष वैज्ञानिक गुरुदेव भारत ज्ञानभूषण जी को 0121-266-888 या 0983706-0046 पर। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे नई जानकारियों के साथ। तब तक देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए IIMT मीडिया।